सातवां पूर्व सुबोध शर्मा नामक व्यक्ति की हुई हत्या का खुलासा डीसीपी पूर्व ने किया। जयपुर सातनापुर केशव विद्यापीठ जामडोली चौराहे के पास बालूपुरा रोड के किनारे बबूल के पेड़ पर सुबोध शर्मा नामक व्यक्ति मृतक लटका हुआ मिला। मृतक के भाई अशोक ने 18/7/2020 को थाना कोलवा दोसा में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का खुलासा 7 महीनों की पुलिस की जद्दोजहद के बाद में डीसीपी पूर्व अभिजीत सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि घटना की हकीकत मालूम करने के लिए टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस ने दिन रात मेहनत की और कड़ी से कड़ी मिलाई कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर विश्लेषण किया और संदिग्धों पर नज़र रखी गई। आसपास के क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठी की गई, जिसमें संदिग्ध 3 मुलजिम मोहित रवि गुर्जर कैलाश चंद मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और खुलासा हुआ कि सपना मीणा नामक महिला, जो कि अपने पति को छोड़कर पुत्र मोहित और 2 पुत्री के साथ में सूरजपुर रामगंज बाजार में किराए के मकान में रहती थी और उसके संबंध सुबोध शर्मा नामक व्यक्ति से हुए। संबंधों को पता पुराने प्रेमी और पुत्र को लगा तो नाराज हुए और सुबोध के साथ सपना ने शराब पी, दोनों बच्चों के साथ मारपीट की। उसके बाद में सपना ने अपने पुराने प्रेमी रवि और अपने भाई कैलाश मीणा को बुलाकर पूरी घटना बताई। मोहित रवि कैलाश ने सुबोध को बोलेरो में सुनसान जगह ले जाकर हाथ पैर बांधकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर कीकर के पेड़ पर लटका दिया, जिससे कि आत्महत्या लगे। सब पूछताछ के बाद में मुलजिमों ने बताया। उसमें इनके रिश्तेदार थे, उनको दोबारा से पूछताछ की, मौके पर गए और उनके गांव में गए, गांव के लोगों से पूछताछ की। इसमें सपना मीणा के लड़के मोहित मीणा, जो कि 19-20 साल का है, उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ और उसने जो है इस क्राइम को कन्फेस किया। उसने बताया कि उसकी मदर का रिलेशन जो है वो सुबोध के साथ में था और सुबोध जो है एक रात को दारू पीकर उसकी माताजी के साथ मार पिटाई कर रहा था। इसमें मार पिटाई के समय में उसने जो है, क्योंकि उनकी माताजी थी और उसके साथ मार पिटाई हो रही थी, तो वो भी आवेश में आया, तो उसने बीच बचाव किया तो सुबोध ने उसकी भी पिटाई की। सुबोध ने उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाया और मोहित ने अपने दोस्तों को बुलाया और सुबोध के साथ में फिर मारपिटाई हुई। इसी बीच में जो सुनीता सपना मीणा थी, सपना मीणा ने अपने पूर्व प्रेमी रवि गुर्जर को फोन करके बुलाया। रवि गुर्जर अपने साथ में उनके परिवार के, सपना मीणा के परिवार को लेके, उसके भाई को लेके, उसके माता पिता को लेके बुलेरो गाड़ी से आया और उसके बाद घर पहुंचे। उस समय तक वहां पर सुबोध नहीं था और वहां आने के बाद सुबोध की तलाश की। सुबोध की तलाश करने के बाद बयान अनुसार